चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन। यह विषय चर्चा में इसलिए है कि अमेरिका के कई सांसद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के 20 जनवरी को इनॉग्रेशन से पहले ही ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। औपचारिक रूप से ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी तक रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को या तो महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है या 25वें संशोधन के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन को जानने से पहले आइए हम यहाँ पर ये जान ले कि ट्रंप को हटाने की मांग के पीछे का कारण क्या है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर 2020 को वोटिंग हुई थी। बाइडेन ने इसमें 306 और ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल वोट जीते थे। लग रहा था कि ट्रंप हार नहीं मानेंगे और हुआ भी ऐसा ही। ट्रंप ने वोटिंग और काउंटिंग में धांधली के आरोप लगाए, अदालतों में कई मुकदमे दाखिल किए। ज्यादातर केस में ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी 2 मामलों में ट्रंप समर्थकों की याचिकाएं खारिज कर चुका है। वोटिंग के 64 दिन बाद अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर औपचारिक घोषणा के लिए जुटी तो ट्रंप के समर्थक संसद में घुस गए, वहां तोड़फोड़ और हिंसा की। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। रिपब्लिकन का दावा है कि चुनाव में धांधली की वजह से ही ट्रंप हारे हैं। इसी दिन ट्रंप ने सेव अमेरिका रैली का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों ट्रंप समर्थकों ने भाग लिया। एलिप्स पार्क में रैली के दौरान ट्रंप ने समर्थकों को संसद तक मार्च करने की अपील भी की थी। अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन क्या कहता है, आइए जानते हैं। 25वें संशोधन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी पर सवाल उठे थे। इस संकट को दूर करने के लिए संशोधन लाया गया था। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद 25वां संशोधन 6 जुलाई 1965 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 10 फरवरी 1967 को राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसका सेक्शन 4 बताता है कि अगर राष्ट्रपति काम करने योग्य नहीं रहता और खुद पद नहीं छोड़ता है तो क्या होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 25वें संशोधन में स्पष्ट है कि अगर राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस पर यह भी दलील है कि उस राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है जो अपने पद पर रहते हुए देश के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इस संशोधन के 4 खंड हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। संशोधन के 2 खंड में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्तियों के प्रावधान शामिल हैं। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थता की घोषणा करता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकता है। जब राष्ट्रपति अपनी अक्षमता की घोषणा करने में असमर्थ होता है तो संशोधन का 4th भाग लागू किया जाता है। उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति की अक्षमता साबित करनी पड़ती है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 25वें संवैधानिक संशोधन के इसी 4th खंड को लागू करने की बात की जा रही है। 25वें संशोधन को लागू करने के लिए उपराष्ट्रपति पेंस और ट्रंप कैबिनेट के अधिकांश सदस्यों को घोषणा करनी होगी कि ट्रंप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति पेंस जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ट्रंप तब ये दावा कर सकते हैं कि वह काम करने में सक्षम है। पेंस और कैबिनेट के ज्यादातर सदस्य विरोध नहीं करते तो ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर उन्होंने ट्रंप का विरोध जारी रखा तो मामला संसद में जाएगा।
तब तक पेंस ही राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या ट्रंप को महाभियोग लाकर भी हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, ट्रंप को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, बल्कि उनके खिलाफ संसद के अंदर इसका प्रस्ताव भी पेश हो चुका है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होती है। इसके लिए राष्ट्रपति पर आपराधिक मामले में दोषी होने जैसे आरोप लगाने होंगे। 435 सदस्यों वाले हाउस में बहुमत से आरोप तय हो सकते हैं। इसे आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट कहते हैं। प्रक्रिया ऊपरी सदन यानी सीनेट जाती है, वहां प्रेसिडेंट के खिलाफ सुनवाई होगी। वहां ही साबित होगा कि प्रेसिडेंट दोषी है या नहीं। संविधान के तहत सीनेट में ट्रंप को दोषी ठहराने और हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन 1967 में स्वीकार किया गया था। कथन दो, जब राष्ट्रपति अपनी अक्षमता की घोषणा करने में असमर्थ होता है तो इस संशोधन का 4th भाग लागू किया जाता है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।